करनाल हाईवे पर मयूर ढाबे वाले पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात होने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि तीन लुटेरे कर्मचारी को गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से कर्मचारी घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि लुटेरे 70 से 80 हजार रुपए की धनराशि लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस घटना से आसपास में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताते चले कि करनाल के जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई है। लुटेरे पेट्रोल पंप कर्मचारी से पैसे लूट कर उसकी टांग पर गोली मारकर फरार हो गए हैं। लुटेरों की संख्या 3 बताई जा रही है। यहां हम आपको बता दें कि बीती रात को लगभग 1 बजे के करीब की यह वारदात है, जिसमें 70 से 80 हजार तक का कैश लुटेरे लूट कर फरार हो गए। लुटेरों द्वारा पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिसको पहले कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां से उसको चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सारे मामले का संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। बाइक वहाँ पे लगाई उसने, मेरे से पूछा पानी उधर लगाई, मैं इधर तेल पाने के लिए आया, उधर से मैं आए, इधर आकर मेरे से वारदात किया। जितने पैसे ले रहा उतने दे दें, जितने जो उतना शोर मचाया तेरा गोली अंदर सारी ताल। कितना पैसा था आपके पास? 70-80 हजार पे। कहाँ का युवक है जिसे जो घायल हुआ है? जो युवक घायल हुआ है कहाँ का है? यहीं का। कहाँ रहता है वो? तुम्हारा बंदा बसंत बिहार रहता है जी। क्या नाम है उसका? कुलदीप जी। कितनी गोली लगी उसको? एक गोली मारी जी पट पे यहाँ पे। कितने बजे घटना है ये? 1:10 में। कितने जने थे? हम 3 लड़के थे, एक बंदा सो रहा था। लुटेरे हम लोग तीन थे। बाइक पे थे? हाँ बाइक पे थे। बाइक में नंबर था कोई? डैनी नंबर हमारी शायद। कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल हो गया। और जो युवक यहाँ काम कर रहा था उसको कितना समय हो गया? उसको तो 4-5 महीने। 4-5 महीने। तो ये आप देख सकते हैं लगी है, जिस कर्मचारी को गोली लगी है उसको रात तो यहाँ पर पहले सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया था, उसके बाद उन्होंने ये कल्पना चावला जो मेडिकल है इसमें रेफर कर दिया। फिर वो बोले हमारे पास कभी नहीं आई आप इसके ना टांग में पट के ऊपर गोली लगी है, तो फिर उसको हम PGI ले गया। PGI में एक गोली निकाल दी है। वो कह रहे अभी 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 तक एक्सरे और वो करेंगे दोबारा अल्ट्रासाउंड, उसमें पता चलेगा बाकी अभी क्या है। कितने समय से काम कर रहा था वो लड़का आपके यहाँ जिसको गोली लगी है? हमारे यहाँ तो वो 6 महीने से ही आया था। कितनी गोलियाँ लगी उसको? अब ये तो वो पता चलेगा अल्ट्रासाउंड में या वो क्या है वो उसके वो तो कितनी मारी उसने। ठीक है। तो मौके पर पुलिस आ गई थी? हाँ मौके पुलिस तो खैर टाइमली आ, पर वो तो वारदात होने के बाद ही आवा क्योंकि पुलिस को जब इन्फॉर्म की उसके बाद ही पुलिस आई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.